आपको बोलते हैं नॉर्मल। सो गाइज, ट्रैक स्टार्ट कर दिया हमने और 5 किलोमीटर का आया। अभी टाइम कितना हुआ सन्नी? 1:03 हुआ है। और कितने घंटे का बताया है ऊपर जाने का? 3 घंटे, ठीक है। सो 3 घंटे में ऊपर पहुंचते हैं और ये चढ़ाई बहुत खड़ी है, देखते हैं। अभी खच्चर के लिए बोला था पर सन्नी में गर्म खून है अभी, तो उसने एकदम मना कर दिया। सो ऊपर जाके मिलते हैं आपसे। ये 200 मीटर चलने के बाद हालत देखिए, कुत्ते फैल हो चुके हैं इन सब के, और 5 किलोमीटर चल रहे अभी तो। भाई थके हुए हैं ना हम। गाइस एक तो हम पूरी रात के थके हुए हैं, आराम किया नहीं, खाना खाया, सीधे निकल लिए। गलती की है, थोड़ा रुकना चाहिए था। लो सन्नी एक टेक्निक बता रहा है, 30 स्टेप चलने हैं और 10 सेकंड वेट करने हैं, ठीक है? नहीं हाँ, अभी के लिए नहीं, आज हो जाएगी ये पूरी फिर, ठीक है? 30 स्टेप के बाद 10 सेकंड वेट, ठीक है? ये करके देखते हैं। रिदम के साथ चलना है यार, रिदम। हाँ रिदम नहीं टूटनी चाहिए, हार्ट बीट ट्रिपल हो चुकी है। हाँ हमने एक वीडियो भी देखी थी, उसमें रिदम ही बोल रहा था वो, तो रिदम से चलेंगे। मिलते हैं आपसे ऊपर, अभी थोड़ा रेस्ट कर लें। सो यार, इस ट्रिप ने मुझे बता दिया कि वेट ट्रेनिंग के साथ साथ कार्डियो भी इम्पोर्टेंट है। सेकंड बात जो मैं आपको बोलूँगा, ज़्यादा बैग्स कैरी मत करना गाइस, क्योंकि बैग के साथ साथ चढ़ना बहुत हार्ड हो जाएगा। सो प्लीज़ थोड़ा खाना और पानी ही कैरी करना। और यार मैं आपको एक बात बता दूँ, आप ट्रैक से अच्छा अगर पहाड़ वाला रास्ता लोगे तो जल्दी कवर कर पाओगे इन चीज़ों को। और ट्रैकिंग करने से पहले ज़्यादा खाना मत, हमने गलती की, मैंने ज़्यादा खा लिया तो उससे मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी चलने में। 1 hour later। यो गाइस, बहुत मज़ा आ रहा है, मैं इधर आया था, बिल्कुल थकावट महसूस ही नहीं हो रही है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है बहुत आराम, जैसे हवा में उड़ रहा हूँ, मज़ा आ गया। ओ ये ट्रैकिंग तो यार बहुत ही ईजी है, कोई भी कर सकता है पर थोड़ा सा पैरों में दर्द होगा, और ये तो मतलब इसका तो माइंड ही शांत हो गया, चला नहीं जाएगा, लेटने में मजा आएगा। आधा आधा घंटे से करो, रात को ऊपर पहुंचोगे तो कुल योगा करो और फिट रहो, फिट रहो। सो गाइज, अभी हम यहाँ थोड़ी चाय पी रहे हैं, बट एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप चाय लवर हो मेरी तरह तो यार उत्तराखंड तो आपके लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यार पता नहीं अजीब ही चाय है यहाँ पे, टेस्ट बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है चाय का। हिमाचल चाय लवर वालों के लिए ठीक है, बट उत्तराखंड बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। अभी वो टॉप दिख रहा है, उससे भी थोड़ा नीचे जाएंगे। सो यार फट गई हमारी तो, यहाँ का पानी बिस्लरी से भी ज़्यादा है, हिमालय मतलब पानी एक नंबर का है। भाई कितने किलोमीटर चल लिए होंगे? 10 5 लिखा था मैप में और 10 किलोमीटर हम चल चुके हैं। और मैं आपको दिखा दूँ तो सीन कुछ ऐसे हैं, रात होने से पहले ऊपर चढ़ना है क्योंकि फिर ठंड हो जाएगी बहुत ज़्यादा और अंधेरा हो जाएगा, जो कि सेफ नहीं है। सो हम चल रहे हैं। सो गाइज, आप जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करो, क्योंकि रात होते ही ना तो इस रास्ते पे लाइट है और ठंड भी बढ़ जाती है। और ये मंदिर है तुंगनाथ मंदिर, और इसके ऊपर है चंद्रशिला, हमें वो भी जाना है। और उससे पहले हम यहाँ कुछ खाने के लिए रुके हैं, सो खा भी लेते हैं थोड़ा बहुत। और भाई एनर्जी बिल्कुल नहीं अभी, थोड़ा एनर्जी है, बहुत ऊपर जाना है, 2-3 किलोमीटर तक है यहाँ से, और वो बिल्कुल स्टीप है यहाँ से, मतलब कि तो जो भी हमने खाया था जितना कार्ब्स वो सारा यूज़ हो चुका है मेरे को लग रहा है, अंडर ईटिंग ही है हम अभी। सो अभी खाते हैं उसके बाद, क्योंकि अभी प्रॉब्लम ये है कि अगर रात होगी ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, सो हमें
अंधेरा होने से पहले चढ़ना पड़ेगा। तो थोड़ा चाय पीते हैं, कुछ खाते हैं हल्का फुल्का, फिर आपको मिलते हैं ऊपर। और इसने तो स्टिक ले ली, इसके बस की नहीं रहा। चार मैगी बनानी है, अभी तो तीन मैगी बना दो, चौथी मैं बनाऊंगा। भैया आपका नाम क्या है? दिव्यांशु। दिव्यांशु भैया बहुत अच्छी मैगी बनाते हैं, ऊपर आ गए दिव्यांशु भैया से ही खाना। क्या टमाटर भी डालना है? कैसा एक्सपीरियंस है? बढ़िया एक्सपीरियंस है। और हम जब हम मतलब यंग होके इतनी जल्दी चढ़ पा रहे हैं जितने मामा जी तो बहुत पहले पहुंच गए, बहुत पहले। जो हम सोचते हैं ना कि मामा जी घर आएंगे तो वो हमसे पहले ही ऊपर मिलते हैं। हमें सोचा नीचे है तो हम कहते हैं वहाँ पे ऊपर आके हाई करते हैं। शायद इनके पास प्रोटीन शेक है। कौन सा प्रोटीन ले रहे हैं बताएं? रम मिटा देंगे, रम मिटा देंगे हम। और एक खिलाड़ी हमारा अभी तक आया नहीं है। भैया ये बता रहे कि आज दिन का मुहूर्त निकलता है इनका, कि मतलब कब बंद करना है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि 15 दिन बाद बंद हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि बर्फ़ वगैरह ज़्यादा पड़ने लग जाती है तो टूरिज्म बहुत कम हो जाता है, क्योंकि बहुत मतलब तो 6 महीने ये मतलब बंद ही रहता है। तो अभी हम सही टाइम पे हैं, तो ये कह रहे हैं कि अप्रैल में जाके बर्फ पिघलती फिर दोबारा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो कब बंद होता है ये? अभी नवंबर में जाके बंद हो जाएगा, नवंबर के एंड तक ना, नवंबर के मिडल में ही बंद है। सही है। सो गाइस अगर आना है तो अप्रैल और नवंबर के मिडल तक ये आ सकते हो। अक्टूबर इज द बेस्ट मौसम, लास्ट है ना, लास्ट आजकल कम, परसों 5-6 दिन से हुई है बंद बारिश, नहीं तो उससे पहले लगातार। तो यार एक बहुत बड़ी गलती जो हमने की, हम पूरी रात गाड़ी में थे, ना ढंग से सोए थे, परेशान थे। और जैसे ही हम इधर पहुँचे, आते ही हमने ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी। हमें लगा यार 3 किलोमीटर की तो है, चढ़ जाएंगे, बट यार बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी हमें ना सोने की वजह से। और जो दूसरी गलती की वो कि यहाँ पे जो मैनेजमेंट है यार वो 500 बंदों का ही है, सो सब ने पहले ही अपना टेंट और रूम बुक करा लिए और हमने कुछ नहीं कराया, जिसकी वजह से जब हम नीचे आए तो रात हो गई थी, सब अपने टेंट और रूम बुक हो गए थे, हमारे पास ना तो टेंट था ना रूम था। सो जो हमारे 2 बंदे हैं योगेश और मामा जी, वो तो गाड़ी में ही सोए क्योंकि वो बहुत थक गए थे और हमारे लिए जगह नहीं थी, तो हमने एक टेंट कैसे करके जुगाड़ किया, हम उसमें रुके। मैंने कुछ नहीं पता, मैंने ऊपर पहुंचना है वहाँ। ये मजाक में ज़्यादा ले लिया यार हमने। मजाक में सही है यार, अच्छी जगह गए हैं, वर्थ इट होगा। कहीं जब थोड़ी सी दूरी रह गया है, लगा लो हाथी निकल गया, हाथी की पूछ रह गई है, बट शरीर इस टाइम पे अब पूरी एनर्जी दिखाएगा कि वो गिव अप कर चुका है, बट आपको गिव अप नहीं करना है। ऐसे ही वर्कआउट में होता है, जब हम वर्कआउट करते हैं तो वो ऐसे दिखाता है लास्ट रैप में कि वो थक चुका है, बट वो 2 रैप लगा सकता है। सो अभी हमें दिख गया ना कि वो बिल्कुल पास है, तो एनर्जी बिल्कुल लो हो गई है। और जब हम उससे नीचे थे और एनर्जी सेम ही थी, बट फिर भी हम चल रहे थे। सो हम इसको पार करेंगे, ऊपर चढ़ गए, आपसे मिलता हूँ। सो वो तो निकल लिए, मैं भी जा रहा हूँ, बाय। लुक एट द ब्यूटी गाइज, देखो गाइज कहाँ गए हैं। जितनी भी थकान थी ना, ये व्यू देख के सारी थकान ख़त्म हो गई है। और आप सबके लिए मैंने ये सब शूट किया है, सो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब किया करो यार वीडियो को। अभी मंदिर जा रहा हूँ, वहाँ जाके दिखाता हूँ क्या है, जिसके लिए इतना चढ़े हैं। बाय गाइस, अभी बाय नहीं कर रहा, अभी बाय नहीं कर रहा मैं, ओके, क्योंकि यह एक एपिसोड है, कंटिन्यू करेंगे गाइस। फाइनली पहुंच ही गए हम, और भाई ये है नज़ारा। बजाजी 110
और वो है बर्फ वाले पहाड़, वहाँ भी जाना एक दिन जाएंगे भाई, एक दिन वहाँ भी जाना ना। चलो अब थोड़ा यहाँ फोटो सेशन करेंगे मुन्नी के साथ, थोड़ा मंदिर देखेंगे। और ऐसे कुछ है नहीं, ये प्राचीन मंदिर है यार, ऐसे ही होते हैं। चलो भाई अभी हम चंद्रशिला से आके अभी जा रहे हैं टेंपल तुंगनाथ। अभी तुंगनाथ के दर्शन करके सीधा जाएंगे नीचे। चलो तुंगनाथ टेंपल दिखाते हैं आपको। चल भाई आजा। गाइस मंदिर बंद होने वाला है, मैं जल्दी से दर्शन कर लेता हूँ। चलो ये है पूरा मंदिर, और ये पूरा केदारनाथ की तरह लगता है यार। भाई कैसा था यार? भाई मैंने बहुत हाई ट्रैकिंग की, पर इससे हार्ड नहीं करी यार, बहुत ही ज़्यादा हार्ड ट्रैकिंग थी। और ये ट्रैकिंग इतनी हार्ड थी, और इससे एक किलोमीटर और चंद्रशिला की वो और भी हार्ड थी, बट ये दर्शन करके अंदर वीडियो बनाने देते, बढ़िया मजा आया यार। आरती शुरू होने वाली, हमें कैमरा ऑफ करना पड़ेगा उसके लिए। अभी आरती शुरू हो रही है, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं आपसे। आज का व्लॉग इसी के साथ ख़त्म करते हैं। बाय गाइज, हम भी थके हुए हैं, अब जाएंगे होटल में खाएंगे कुछ अच्छा सा। चलो बाय।